नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने भी महसूस किया होगा कि कोरोना के इस विपदा में हम सभी अधिक आत्मनिर्भर बने हैं, लेकिन वही माइग्रेंट लेबर की दुर्दशा किसी से नहीं छुपी। ऐसे में भारत के हर व्यक्ति का आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि इस तरह की परिस्थिति दोबारा ना आए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी, ताकि इस आपदा को अवसर में बदला जा सके और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। जैसा कि नाम से ही साबित होता है, आत्मनिर्भर भारत योजना, भारत का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया था। उस परिस्थिति में लॉकडाउन का सहारा लेना सही भी था, लेकिन इसका विपरीत असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, खास करके एमएसएमई सेक्टर में। प्रधानमंत्री ने इस नकारात्मक असर से पूरे देश को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की, जिसके तहत 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया। आइए जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एमएसएमई सेक्टर के व्यापारियों को किस तरह से लाभ होगा। इससे पहले, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियोस पहुंच सके सबसे पहले आप तक। तो चलिए जानें, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एमएसएमई सेक्टर को कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई थी। यहाँ आपको समझना है कि कोलेटरल फ्री का मतलब क्या है। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब है कि आपको लोन लेने के लिए किसी भी तरह की जमीन, सोना या पॉलिसी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। यह लोन गारंटी फ्री होगा। यह लोन कोलेटरल फ्री होने के साथ साथ ऑटोमेटिक अप्रूवल भी होगा। ऑटोमेटिक अप्रूवल का मतलब है कि हर एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को इमरजेंसी क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। 29 मई 2020 तक जिस कंपनी का जितना भी क्रेडिट लाइन होगा, उसके तहत 20% लोन जनरेट किया जाएगा। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस लोन की अवधि 4 साल की तय की गई है। इसका मतलब है कि आपको लोन की ईएमआई पटाने के लिए 4 साल का समय मिल जाएगा, जहाँ शुरू के 12 महीने मोरेटोरियम निर्धारित किया गया है। मोरेटोरियम का मतलब है कि आपको शुरू के 1 साल तक ईएमआई नहीं देनी होगी, लेकिन आपको ब्याज चुकाना होगा। इस लोन में आपको मूलधन की राशि 12 महीनों के बाद चुकानी होगी। यहाँ पर सरकार ने लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुँचाने के लिए इंटरेस्ट रेट भी कम रखा है। यानी कि यदि आप बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से भी लोन लेते हैं, तो कोई भी कंपनी आपसे मनमाना ब्याज नहीं वसूल सकती। इस योजना के तहत आपको बहुत ही कम ब्याज दरों में लोन प्राप्त हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके व्यापार के अनुसार इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का निर्धारण आपके व्यापार की क्षमता और प्रकृति के आधार पर किया जाएगा। एमएसएमईज की कई ऐसी कंपनियां जो सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं या जो घाटे पे हैं, उनके लिए सरकार ने 4,000 करोड़ का फंड भी निर्धारित किया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एमएसएमईज की परिभाषा में बदलाव किया गया है, जिसके तहत एमएसएमईज के इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट बदल दी गई है, जो कि एक लाभदायक घोषणा साबित हो सकती है। अब बात आती है कि लोन के लिए अप्लाई कहाँ करें। तो हम आपको बता दें कि सरकार ने बहुत से लोन स्कीम पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। यदि आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो जिन बैंक से या फाइनेंस इंस्टीट्यूट से अपना लोन लेते हैं, वहां जाकर क्रेडिट लिमिट के बारे में पता करें। पता करने के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि आत्मनिर्भर भारत योजना कैसे एमएसएमई सेक्टर के लिए मददगार साबित हो सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं। यदि आप आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी तरह के बिजनेस आइडियाज़ की तलाश में हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट बिजनेस आइडियाज़ को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।